भाई साहब, आई हेट गूगल मैप, आई हेट गूगल मैप, आई हेट गूगल मैप। इसने कर दिया कार्ड बहुत तगड़ा वाला। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द रॉ व्लॉग्स। इट्स टाइम टू गो बैक टू होम एंड आज है 31st। 31st का मतलब साल के आखिरी दिन भी मैं राइड कर रहा हूँ। तो मैं स्टे कर रहा था होटल हेरिटेज में, काफ़ी अच्छा होटल है, मतलब घर घर वाली फीलिंग है। तो अगर आप यहाँ पे आओ लैंसडाउन में तो ज़रूर रुक के जाना है यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट में पड़ता है, यहाँ से नीचे जाके सारी मार्केट है। और एक और है रिसॉर्ट है टिप एंड टॉप, आप वहाँ पे भी रह सकते हो, वहाँ से आपको व्यू मिलेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट में रहना है, पूरा फील लेना लैंसडाउन का, तो होटल हेरिटेज। ओके, सो यहाँ पे हमारी बाइक रेडी है, दिल्ली जाना है। 25 किलोमीटर बाद ठीक पेट्रोल मिलेगा। अभी तो बाइक झुकी हुई है इसलिए 2 पॉइंट आ रहे हैं, वरना तो बिल्कुल रेड है। मेरे को नहीं पता 20 किलोमीटर कैसे जाएगी। तो देखो, मैं बिल्कुल मेन में रुका था और अभी मैं बाइक चढ़ा रहा हूँ, मेरी ऐसी फटी फटी है ना कि भाई साहब पेट्रोल, क्योंकि चढ़ाने में पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च होता है, जो इंक्लाइन होता ना उस पर। ओके, सो यहाँ पे एक बार उतर के मैं बैग देखूँगा अपने कि सब परफेक्ट है कि नहीं। सो ऑल द ड्यूक राइडर, मैंने हज़ार बार बोला अगर आपके पास टेल टाइडी लगी है तो ऐसे बैग लगाया करो, हिलते ही नहीं है। ओके, सो ऑल सेट, आई एम गुड टू गो। ओके, सो ये लोग आई थिंक ट्रेनिंग पे जा रहे हैं नीचे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लैंसडाउन आए कि नहीं आए, क्योंकि 250 किलोमीटर दिल्ली से, यानी पहाड़ का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकंड थिंग, इतना कुछ ज़्यादा खास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, फिर भी मैंने 3 डेज लिया और मैंने मज़ा करा। देखो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, अगर आप अकेले सोलो राइडर या फिर सोलो ट्रैवलर है, गो फॉर इट। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। और आप जा रहे हैं, ओहो क्या बात है। मैं बस एक ही बात सोचता हूँ जब भी मैं पहाड़ों को देखता हूँ कि एक टाइम पे कितने सालों पहले ये कितने वीरान होते थे ना, मतलब लोग इनको एक्सप्लोर करने आते थे पैदल। और अब क्या रोड्स बना दी हैं और क्या मतलब मिलिट्री वगैरह सब लगा दी यहाँ पे। भाई साहब, मेरे को नहीं पता गूगल मैप कौन से रास्ते से लेके जा रहा है, बट आई एम स्केर्ड बिकॉज मेरा पेट्रोल, मेरे को पेट्रोल पंप नहीं मिला रास्ते में, और कुछ भी हो सकता है। और अगर पेट्रोल खत्म होता है तो तुम्हारे भाई को लगाने पड़ेंगे धक्के, और धक्के लगाए तो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ले लो घर पहुंचने के लिए। अभी दिखा रहे कि 6 बजे तक पहुंचूंगा, तब तो बेटा पहुंच गया मैं घर पे। आई डोंट नो क्या है, कैसे है, सो फार सो नॉट गुड। तो मैं पूरा वहां से इस वाली रोड से जा रहा हूँ, पूरा पहाड़ मैंने कवर अप करा है और घंटे चालू हो गए हैं, पेट्रोल है नहीं भाई। अगर पेट्रोल होता ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना बुरा रास्ता होता। ये फुल फ्यूल स्टेशन है ना? फ्यूल स्टेशन? हाँ, नहीं इधर नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तो सतपुल है। सतपुल है? हाँ। कितना देर होगा सतपुल? तो आपको लग जाएगा यहाँ से काफी, यहाँ से करीब होगा 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर? मैं दिल्ली जा रहा था एक्चुअली, मेरा फ्यूल बहुत कम है। कितना होगा? मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं है। ब्लिंक रिजर्व पे आ चुकी है बाइक। अगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर चुंडई है, वहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर है डेरिया खाल। अच्छा, वहाँ से पूरे न्यूट्रल में आपकी दुगड्डा पहुँच सकती है, दुगड्डा के पास है फ्यूल स्टेशन। दुगड्डा तो मैं वापस लैंसडाउन चला जाऊंगा ना। लैंसडाउन जाओगे? नहीं, मेरे को दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना है तो दुगड्डा से दिल्ली तो निकलोगे, कोटद्वार होते हो। अच्छा चलो ठीक है, गलत जा रहे हो। हैं? इधर गलत जा रहे हो, नहीं पहुंच पा, इनका एडजस्ट कर लो। इधर वापस जाओ फिर। मैं वापस सीधा? हाँ, लैंसडाउन से वहां से तो न्यूट्रल में दुगड्डा पहुंच जाओगे सीधा। हाँ, है ना, तो दुगड्डा में फ्यूल स्टेशन है। तो यहाँ से ना जाओ, यहाँ से तो सतपुली कहाँ पहुंचेगा, उल्टा पौड़ी साइड। तो गूगल मैप मेरे को यही दिखा रहा है।
कितना दिखा रहा है? गूगल मैप यहाँ से मेरे को पास में दिखा रहा है, यहाँ से 278 किलोमीटर दिखा रहा है। कोटदार के लिए रूट यू है। अच्छा, तो वहाँ से न्यूटन में आप दुगड्डा निकल सकते हो। अगर 9 किलोमीटर खींच दिया चुंडई से, यहाँ से 5-6 किलोमीटर चुंडई है और वहाँ से 9 किलोमीटर डेरिया खाल जहाँ से लहसुन के लिए कटती, वहाँ से सीधा न्यूटन में सीधा दुगड्डा। ठीक है। भाई साहब, आई हेट गूगल मैप, आई हेट गूगल मैप, आई हेट गूगल मैप। इसने कर दिया कार्ड बहुत तगड़ा वाला। आई हेट यू गूगल मैप, यू आर सकर, यू आर बिच। मतलब इतना गंदा वाला लॉल हुआ है ना बिकॉज ऑफ द गूगल मैप। मैं उल्टा जा रहा था, मैंने पहले डाला था रोहिणी और साथ में मैंने डाला था दुगड्डा। दुगड्डा का रास्ता वो नीचे से दिखा रहा है और मतलब क्या सीन है, मेरे को समझ नहीं आया गूगल मैप का क्या है यार। अब मैंने दुगड्डा का मैप डाला जहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा और भाई साहब 29 किलोमीटर है और 29 किलोमीटर पता नहीं ये जाएगी भी नहीं जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी एडवेंचरस। अब मैं वापस जा रहा हूँ, सारी चढ़ाई फिर से कर रहा हूँ। आ गया पेट्रोल पंप ऑलमोस्ट आ गया। बल्ले बल्ले तो शवा शवा, बल्ले बल्ले तो शवा शवा। भाई तुझे कितना नहीं ढूंढा। खत्म हो गया आई थिंक, बिल्कुल सही टाइम पे खत्म हुआ। ओ भाई ये फुल कर दो भैया जी। कितना तरसे हम पेट्रोल के लिए, कितना तरसे हैं, उल्टा उल्टा चले गए हैं, फाइनली मिल गया। लैंस डाउन में पेट्रोल नहीं, उसके उधर के लिए लाठी है। ये मेरे को पता नहीं था ना, पहले पता होता तो मैं डलवा के जाता। यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। 881 का पेट्रोल पिया भाई साहब इसने, 881। सो बेचारी कम से कम नहीं तो 2 दिन से ब्लिंक कर रही थी रेड पे, आज फाइनली इसका पेट भर गया, वो भी पूरा। कितना घूमा हुआ आज, इसकी कोई हद नहीं है। अब 228 किलोमीटर लेफ्ट। एक्स्ट्रा बाइक मैंने आज कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर चलाई और 50 किलोमीटर पहाड़ों पे इस हेल लॉट ऑफ। मैं रुका नहीं कहीं पे भी खाने के लिए, तो यहाँ पे झांकियाँ चल रही हैं। वाह 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 वाह, क्या मजा आ रहा है। ड्रोन शॉट कहाँ से ले सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस लास्ट व्लॉग में भी बताया था इसकी वजह से ड्रोन शॉट नहीं ले सकता। क्या लग रहा है बाबा, एडवांटेजेस ऑफ हैविंग बाइक। भाई साहब पीछे बहुत गंदा जाम था। एक्चुअली क्या है, ये ट्रक तो है, ये सिंगल लेन रोड है, तो गाड़ियाँ क्या कर रही है, ट्रक धीरे चल रहे तो साइड में काट रही हैं। अब साइड में काट रही हैं तो ये देखो जैसे वैगनार निकली, आगे जाम लगा पड़ा इस साइड वालों के लिए। मेरे को फायदा कैसे हुआ, मेरे पास थी बाइक, मैं इस ट्रैक से निकल आया।
ये तो मजा बाइकर्स का। ओके सो जस्ट स्टॉप हेयर, बालों की तो मेरे को पता था बच जाएगी, तो 250 नहीं कितने 120 किलोमीटर नॉन स्टॉप करें, मज़ा आ गया। मतलब जो ऐड हुए हैं, मतलब वो जो फालतू घूमा वो 30-40 किलोमीटर ऐड करके मज़ा आ गया आज की राइड तो। अब कितने किलोमीटर रहते हैं, अब 100 किलोमीटर लेफ्ट फॉर होम पूरे। और अभी बीच का पैच जो आएगा वो बहुत ही डरावना है भैया जी, तो जल्दी खा के निकलना पड़ेगा। सो ये जो साल रहा ना, इसके बारे में बात करें क्योंकि मैंने करी नहीं है बिल्कुल भी। ये जो साल रहा ना बड़ा ही मस्त रहा है भाई साहब, धोखे मिले, प्यार में धोखे मिला, दोस्तों की गद्दारी देखी अच्छे वाली, बहुत चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ पाई, बहुत चीज़ें खोई, बहुत चीज़ें में से एक चीज़ पाई, मैं खुद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाँ राइड रही सक्सेसफुल, वेलकम टू दिल्ली का बोर्ड, आई लव इट, आई लव दिस, ए फोटो हो जाए बस। सो ऑफिशियली मैंने बीट कर दिया है किसको, गूगल मैप को, बिकॉज गूगल मैप दिखा रहा था कि मैं दिल्ली में एंटर हुआ लगभग 6 बजे और एक घंटा पहले तुम्हारा भाई आ गया 5 बजे, ठीक 5:02 हुए अभी, सन डाउन होने वाला है, आई डिड इट अलोन। लास्ट सनसेट है हमारा, अब कल से नया सूरज उगेगा एक डेकेड के बाद, मतलब एक पूरा डेकेड हो गया, एक नया सूरज उगेगा। अब रेजोल्यूशन बनेंगे आप लोगों के जो कि आप लोग फॉलो नहीं करोगे, मेरा एक रेजोल्यूशन है कि जिम में और टाइम देना और पढ़ाई अपनी स्टार्ट करना, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं, पता हद कर रखी है मैंने। नेवरदलेस एवरीथिंग इज गुड, राइड हुई सक्सेसफुल, सो मिशन लैंड डाउन सक्सेसफुल। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, पहुंच गया सेफली, पहुंच गया, मज़ा आ गया बहुत ही ज़्यादा। बाकी आगे हम कल के ब्लॉग में बात करेंगे इसके बारे में जो राइट रही, एंड ये ब्लॉग एक्चुअली में बहुत बड़ा हो गया। तो जय हिंद, वंदे भारतवती, बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, इट्स ऑसम डे। या कल से मेरे लिए नया साल स्टार्ट है, रेजोल्यूशन एक ही है, अच्छी बॉडी बनानी है, पढ़ाई पर ध्यान देना जो कि मुश्किल ही है बट देंगे, और बहुत सारे व्लॉग्स बनाने हैं, और 1 लाख करवाओ यार जल्दी, कितने रह गए, 600 रह गए, करवाओ अभी के लिए, मेरे को नहीं पता आगे कितने रह गए, लेकिन अभी फिलहाल 600 रह गए। ऐसी जी, तो चाहे जिंदगी है।